नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफील मिरर, हर पल आपके साथ। हाय दोस्तों, सीएफएम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। इस दौड़ती भागती मतलबी दौर में कुछ लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्स से कराना चाह रहा हूँ जिनका नाम अरूप राय है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए वक्फ कर दी। वो दूसरों के लिए सोचते हैं और दूसरों के लिए ही जीते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि दूसरों के लिए जीने में उनको कितना मज़ा आता है। वेलकम है। मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हूँ जे आप लोग हमारा पास यहाँ पर जो न्यूज़ है इतना अच्छा न्यूज़ कर रहे हैं, एकदम प्रोमिनेंट न्यूज़ करते हैं। नहीं सर, वो तो ठीक है, थैंक यू। तो ये सर और कि जो एक जुपिटर फाउंडेशन नाम से आपने एक संस्था देखिए, बनाई, वो क्या है, लोग जानना चाहते जुपिटर हैं। फाउंडेशन की क्या कैसे हुआ है इस चीज़ को आपको बता रहे हैं। मैंने जब से हमारा ये फाउंडेशन नहीं बना था तब से हम थोड़ा थोड़ी बहुत से सोशल वर्क में पार्टिसिपेट करता था। बहुत से सोशल वर्क में पार्टिसिपेट करने के बाद हम देखा जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाएंगे तब तक ये जो काम को आगे नहीं बढ़ा सकते, हम जनता को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे तो वो काम आगे बढ़ेगा कैसे। तो ये आज का दिन में संघे शक्ति सबको लेके चलेंगे तभी कुछ काम आगे बढ़ सकता नहीं, है। ये जो सेल्फिश दौर है, अभी बोला जाता है सेल्फिश ईरा है, लोग अपने बारे में सोचते हैं, आपका मन में ये बात कैसा है कि आप कुछ दुनिया के लिए भी करना है? नहीं, ये तो देखिए, आदमी को हर समय ये होता है कि हम तो कुछ दिन का मेहमान है इस धरती में, तो जो भी है हर आदमी को कुछ ना कुछ करना चाहिए समाज के लिए। तो मैं एक चीज़ सोच लिया, जैसे अभी हमारा देखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स को हम जो ड्रिंकिंग वाटर फ्री देते हैं, कहीं पर कहीं गरीब आदमी को शादी होता है वहाँ पर फ्री पानी देते हैं। और अभी हमारा नेक्स्ट हमारा साथ में जो है, मेरा जो कॉलिग्स है, मेरा जो टीम है, वो मेरा साथ पूरा साथ देते हैं। कुछ जो एनजीओज हैं, कुछ संगठन हैं, वो मेरा साथ कंधा में कंधा लगा के मेरा साथ चलता है और मैं उसको मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। और ये भी बात बोल रहे हैं कि आगे दिन में हम और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ काम करने के लिए सोचेंगे। जैसे किसी का कोई प्रॉब्लम हो, अगर हमसे हो सकता है तो मैं ज़रूर उसको हेल्प करूँगा। हाँ, तो हम बता नहीं सकते। मैं इसमें संतुष्ट हूँ कि भाई जिसको पास सब, आज का दिन में पानी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो जहाँ जिस जिस स्कूल में पानी का प्रॉब्लम्स था मैं खुद देखा, हमारा पास कोई भी आता है तो मैं उसको तुरंत बोलता ठीक है। मैं ऐसा भी हुआ है, मेरा पास भेजने का साधन नहीं था, मैं अपना कार से उसको स्कूल में पानी भेज देता है। तो आप पानी तो डोनेट कर रहे, लेकिन कैसा कभी ऐसा लगा कि इसका मिसयूज हो भी होगा? मिस यूज़ थोड़ा बहुत तो होता था, लेकिन हम उसको धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया। जहाँ जहाँ 20-25 बॉटल जाता था, हम देखा 25 बॉटल तो इतना स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरत है नहीं। तो मैंने थोड़ा से इंक्वायरी किया, फिर हम उसको जितना एक्चुअल रिक्वायरमेंट है वो हम पूरा से पूरा करते हैं। और मेरा दोस्त यार जितना है सब मेरा साथ है। वो हमको बोला और रुपदा इसको चलाइए, जैसे आप भी हम आपको ये प्रचार माध्यम से भी हम बोल रहे हैं, ऐसा कोई भी अच्छा काम होगा हम हमेशा सबको साथ है और सबको साथ ही आगे बढ़ सकता वो तो है। हम लोग देखते हैं सर, और आप बहुत सिविलाइज्ड भी हैं। हाँ, आपका पिताजी क्या करते हैं? मेरा पिताजी, इसको मैं सर्विस करता था, इसको कुल्टी वर्क्स में, वो रिटायर करके गया, अभी एक्सपायर भी कर गया। वो लास्ट में एग्जीक्यूटिव बना था, लेकिन हमारा पिताजी यहाँ मकान भी है अपना। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम देखिए, हम लोग दो भाई दो बहन हैं, दो भाई दो बहन हैं। तो बहन लोग सब बाहर बाहर है, शादी हो गया सबको, हम दो भाई यहीं रहते हैं। आप तो अपने बिजनेस का सिलसिला में पूरी दुनिया घूमते हो, बिजनेस कैसा लगता है जब समाज में निकल जाता से है? ज़्यादा हम सोशल वर्क में ज़्यादा घूमता है। अच्छा, जैसे हमको कोई बुला लिया कोई सोशल वर्क में, चाहे दिल्ली बुला लिया, कहीं हिमाचल बुला लिया, तो हमको हम कोशिश करते हैं अगर रात में भी समय होता है तो कैसे भी हम पकड़ के उसको प्रोग्राम में अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि हमको दुनिया में सब कुछ हम नहीं जानता है, सबसे कुछ सीखना है। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ का कल्चर देखते हैं, वहाँ का क्या प्रोग्राम कर रहा है, हम देखते हैं ये जो चीज़ अच्छा होता है वहाँ से ले के हम आते हैं।
तो कहाँ का कल्चर आपको बहुत अच्छा लगा, आपको देखिए, आके में टच किया? हमको हिमाचल का अच्छा लगा। क्या चीज़ वहाँ का अच्छा लगा? वहाँ का जो आदमी को वातावरण है, बातचीत का वो है, और आदमी बहुत हार्ड वर्क करने वाला आदमी है। देखिए, हार्ड वर्क छोड़ के कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं होता हो सकता है, और बहुत सिंपल माइंड का आदमी है। और हम बंगाल में भी, हमारा कुलटी आसनसोल, यहाँ पर भी बहुत आदमी बहुत अच्छा है। अच्छा देखिए, काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा। हम चाहते हैं हमारा इन फ्यूचर जो हमारा इंटेंशन है, जिस एक एनजीओ का क्लस्टर बनाएंगे, मैं सब एनजीओ का लेके एक क्लस्टर बनाएंगे, तब क्या होगा, जैसे एक एनजीओ से एक प्रोग्राम करने में जिसका एक्सपेंसिव हो जाता है, अगर 10 आदमी मिलके उसको करते हैं तो उसका खर्चा कम होगा, 10 प्रोग्राम हम बना सकते हैं। आप तो सोशल वर्कर से बहुत दिन से जुड़े हुए हो, एक्चुअल समाज सेवा क्या होता है? देखिए, समाज सेवा, समाज का अच्छा के लिए जो भी होता है, दैट इज समाज सेवा होता है। चाहे आप कोई गरीब आदमी को कहीं स्कूल में पढ़ाइए, कहीं सोशल वर्क कर दीजिए, कहीं किसी का कोई प्रॉब्लम आ रहा है रास्ता में उसको लिए करिए। अच्छा, कोई किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, आप अपना सामर्थ्य जितना होगा उसको मदद करिए। हमारा एनजीओ अभी जो है, 1 महीना पहले एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट किया था, जो वेस्ट बंगाल का हर ब्लॉक में हमारा एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नियोग किया जाएगा, तो जिसका जिसमें से हमारा बहुत रिस्पॉन्स आया है। अभी हम उन लोग को धीरे धीरे सबको हम एप्लीकेशन लेटर छोड़ रहा है, तो हम एक एक फेज में उसको करेंगे। एक दिन में तो कर नहीं सकेंगे, आस्ते आस्ते मतलब करेंगे, सिस्टमेटिक वे में। सिस्टेमेटिक वे में करेंगे। अच्छा, अभी आप जो समाज में घूमते हो, क्या लगता है कि समाज में ये काम होना चाहिए जब तक नहीं हो पा रहा? देखिए, समाज में तो बहुत से काम होना चाहिए, हो भी रहा है, लेकिन बहुत से आदमी क्या होता है, प्रचार में नहीं आता है। अब बहुत से आदमी प्रचार में आके उसको आगे बढ़ाता है, तो दोनों ही ज़रूरत है। प्रचार नहीं रहेगा तो आदमी नहीं जान पाएगा जी ये काम इस संगठन कर रहा है, इसको पास हम जाएँ। और जो प्रचार नहीं कर रहा है, वो किसी का माध्यम से करा रहा है, ये प्रचार का ज़रूरत नहीं है। अच्छा काम के लिए हम लोग सब आए हैं, एक साथ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये जो एडुकेशन एंड हेल्थ के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, नेक्स्ट फेज़ में हमारा एडुकेशन एंड हेल्थ का ऊपर ही हम काम करेंगे। और आने वाला दिन में आप लोग को अगर पूरा से पूरा सहयोगिता मिलेगा तो हम लोग और आगे काम करेंगे। जैसे आप लोग हमको ऐसा कोई जगह होगा प्रपोजल दीजिएगा तो मैं आगे बढ़ूँगा। करने के लिए बहुत जो एक्चुअली मेंटेलिटी जो है आदमी को, वो बहुत आदमी को है, लेकिन वो कुछ कारण से कर नहीं पाता है। तो जैसे कोई कोई आदमी, हम भी ये हर माने ऑल सिटीजन को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको जो समय है, उस समय से थोड़ा से अगर आप समाज के लिए समय देते हैं तो बूंद बूंद में तालाब भर जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको स्पेयरेबल टाइम में, हम लोग जैसे कुछ टाइम व्हाट्सअप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, उसमें से थोड़ा से टाइम अगर करें, और नहीं तो आप अपना जो फेसबुक व्हाट्सअप कर रहे हैं उसी में आप प्रचार करिए जो भाई समाज का सेवा में आप कुछ समय दीजिए जो काम हो सकता है। नहीं, इसको तो हम लोग भी देख रहे हैं, इस पर बहुत लोग कम ध्यान देते हैं। हम लोग को पोल्यूशन से बचने के लिए भी क्या क्या चीज़ करना चाहिए? देखिए, पॉल्यूशन के बचने के लिए तो प्लांटेशन बहुत मस्ट है। और जैसे प्लांटेशन करना है, देखिए हम लोग को प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है। प्लास्टिक के ऊपर प्रतिबंध बैंड लगाने का बावजूद भी किसी किसी जगह में प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है। अच्छा, आजकल क्या हुआ, प्लास्टिक का यूज़ करने के लिए भी वो फर्टिलाइज़र ये सब जो होता है, लेकिन ये कितना सक्सेसफुल हुआ हमको पता नहीं है। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट का बात करता है आदमी, लेकिन सक्सेसफुल कितना हुआ है, और एक चीज़ को इतना जल्दी सक्सेसफुल करना भी बहुत दिक्कत है, क्या कि इतना। इसमें आम जनता को भी जागरूक होना जरूरी है। हाँ, तो ये हम लोग को, देखिए हम लोग को दो तीन चीज़ है। जैसे तालाब कहीं पर है तो उसको हमको बचाना है। गांव में अंदर तालाब है, पहले देखिए जब गांव में आदमी नहाता था, कुछ करता था, उसको सफाई सुफाई होता था, आज का दिन में तालाब को कहाँ पर है? तालाब तो एकदम वो जो हरा हो गया है पानी ठो, लेकिन ये तालाब बचाना बहुत ज़रूरी है। तालाब बचेगा ना तो हम लोग को जितना पानी है, देखिए हमारा खाली वो नहीं है, हमारा वाटर रिजर्वेशन भी बहुत ज़रूरी है।
जमीन का पानी जो है हम लोग को धीरे धीरे कमती होते जा रहा है, तो जब तक वाटर रिजर्वेशन नहीं होगा तब तक हमारा सॉइल जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो जितना तालाब है उसको फिन से अगर अगर कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है, कोई भी आगे बढ़ता है, इट इज़ बेटर जो उसको करे, क्योंकि उसका चारों तरफ देखिए उसको चारों तरफ पेड़ लगा देगा तो एक तो पॉल्यूशन का काम भी हो गया और पानी का रिजर्वेशन भी दोनों ही हो गया। नहीं सर, आपने अपनी बातों में तमाम जो पहलू था उसको समेटा। एक ऐसा ड्रीम सोसाइटी के लिए जिसको आपने देखा हो और चाहते हैं कि ये ड्रीम आपका पूरा हो? देखिए मेरा ड्रीम यही है जे एक्चुअली हेल्थ और एडुकेशन ये दोनों को जो है हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए। जिसको पास कोई साधन नहीं है वहाँ पर एक एक छोटा छोटा स्कूल, हमारा तो नेक्स्ट टारगेट जो हम बनाया था लेकिन हम कर पाएंगे कितना 2022 तक, जैसे छोटा छोटा गांव में जो हम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बैठा रहा ना तो उसमें क्या होगा, फ्री इंग्लिश मीडियम का कोचिंग होगा। जिसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का लिए थोड़ा से दिक्कत है फिनेंशियली, वहाँ से उसको कोचिंग कर दिया जाएगा और बाकी तो सरकार भी बहुत कुछ करते हैं, उसमें आगे बढ़ जाएगा। चलिए आपने हम लोग ये हमारा तरफ से आपको इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, आपको चैनल बहुत अच्छा और आगे बढ़े और जनता का सेवा कर पाएँ। चलिए आप जो सोशल